सोना उठ बेटा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लाइव शॉट ऑफिशियल। तो कैसे आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं संडे ब्लॉग बना रही हूँ, तो देखिएगा ज़रूर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे बच्चे सो रहे हैं और मेरे कूलर से पानी निकल के पूरा बिस्तर गीला हो गया है। बहुत परेशान है कूलर से। और कूलर से पानी गिर के पूरा गद्दा गीला हो गया है, पूरा कम्बल गीला। तो फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ गाय को रोटी देने के लिए। ऐसी वीडियो बनी है। गाय को रोटी खिलाती होगी। लो मत, लो रुको 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 रुको, डाल देती हूँ, खा लो। गौ माता, धूप नहीं। ये क्या उठा रहा है? ये देखो फ्रेंड्स, क्या उठा रहा है? चिड़िया का पानी का यहाँ पर किसने फेंक दिया था? सोना दाना दे रही है। दो सोना, चिड़िया को दाना दो। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ऊपर ही रखो। तो फ्रेंड्स, हमारी बच्चों की छुट्टियाँ छत पर ही बीत रही हैं। छत पर ही घूमते हैं, ये नहीं जा नहीं पाते हैं। सिर्फ एक ही रीज़न है, वो तो आप सब जानते ही होंगे क्या रीज़न है। तो ऐसे ही ब्लॉग में बने रहिए, मैं बताती हूँ आपको। तो फ्रेंड, मुझे एक बात समझ में नहीं आई है, जो अपना दुख बताती है और रोती है और उनका दुख मालूम चल जाता है, रोती है, पूरा अपसेट रहती है, और जो नहीं बताती है तो उनका परेशानी समझ में नहीं आता है। हर एक हंसते चेहरे के पीछे मायूसी छुपी होती है, गम छुपा होता है, टेंशन छुपी होती है। तो जो इंसान अपना रोना नहीं दिखाएगा और टेंशन नहीं बताएगा, तो इंसान परेशान नहीं रहता है क्या? आप बताइए। आज मेरी बेटी ने बोला है पनीर की सब्जी या पूड़ी खाएगी। सोना, मेरी बेटी को अच्छा छुट्टियाँ बीत रही है घर में ही ना बेटा। कोई बात नहीं, कभी ना कभी मौका आएगा बेटा, अच्छा दिन आएंगे हमारे भी, है ना बेटा। हम भी घूमने जाएंगे हर साल छुट्टियों में, है ना सोना। किस पे चढ़ गई, किस पे चढ़ गई बेटा? अच्छा लग रहा है, ताज़ा ताज़ा हवा। मच्छर काट लिया, ऐसे कर लो बाल को। चलो अब नीचे चलते हैं, नाश्ता खिलाती हूँ बेटा को। नाश्ता में क्या खाओगे बेटा? सोना, क्या खाओगे नाश्ता में आज? अच्छा, नीम की सब्जी। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा बेटा, मेरे बेटों को भी छुट्टियाँ बीत रहा है फ्रेंड्स। उसको भी बहुत मन होता है छुट्टियों में कहीं घूमने जाए, लेकिन एक ही रीज़न हो सकता है, वो तो आप सबको पता ही है क्या रीज़न है। इसलिए हम कभी भी छुट्टियों में कभी भी घूमने नहीं जा सकते, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाता है कभी ना कभी। सोना, क्या देख रही हो बेटा? छुट्टियाँ बिता रही हो ना छत पर? कहीं घूमने भी नहीं मिल रहा है जाने, है ना सोना। देखो सुबह का नज़ारा। यहाँ पे तिरंगा टंगा हुआ था ना, तिरंगा कहाँ गया? ये
देखिए फ्रेंड्स, कबूतर भैया दाना खाने के लिए आ रहा है। ये यहाँ पे इनका खाना पानी रखा हुआ है। ये डर के मारे जब छत से चले जाएंगे तब जाके अपना दाना पानी खाएगा ये। देखिए फ्रेंड्स, अभी भी हम दूर आए हैं तो सब कबूतरे आ गए हैं, लाइन से बैठे हुए हैं छतरी के ऊपर। अब सब अपना दाना खाने के लिए आएंगे, अभी हम दूर खड़े हो गए। सब मैं जा रही हूँ अपने बच्चों को नाश्ता खिलाने के लिए। चलो बेटा, ब्रश भी करना है, नाश्ता भी करना है ना, भूख लगी होगी ना बच्चों को। चलो छत पे घूम लिए है ना, यही हमारा घूमना है, यही सोने का छुट्टियों का घूमना है ना बेटा। हमारा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।